20,000 करोड़ रुपए का जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है वो लगभग लगभग 23,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बन गया है। नमस्कार, SPNI न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। नए संसद भवन के घोटाले को लेकर के इस वक्त चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाकई नए संसद भवन के निर्माण में घोटाले किए हैं? 2700 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया नया संसद भवन इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। अब कहा जा रहा है कि जिस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नए संसद भवन के उद्घाटन में न्योता ना देकर उनका मान यहां पर किया गया है, कहा जा रहा है कि जिस तरीके से यहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, तो इसका जो खामियाजा है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भुगतना पड़ेगा। देश के गंभीर मुद्दों से, बड़े मुद्दों से, पुलवामा जैसे मुद्दों से, अडानी के महाघोटाले जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कल से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर चर्चा की जा रही है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये घर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का बना था वो 80 साल पुराना 1942 में बना हुआ घर था। दूसरी बात, एक नहीं 3 घटना हुई उस घर के अंदर। एक में मुख्यमंत्री के माता पिता जिस कमरे में रह रहे थे उसकी छत गिर गई। दूसरी घटना में मुख्यमंत्री जिस कमरे में रह रहे थे उसकी छत गिरी। तीसरी घटना में मुख्यमंत्री जहां पर लोगों से मिलते हैं उसकी छत गिर गई। उसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने यह सजेस्ट किया कि भाई इस घर को तोड़ के नया घर बनाने की आवश्यकता है और वो घर बनाया गया। 30 करोड़ की लागत से वो घर बनाया गया जिसको लेके कल से चर्चा हो रही है। दिल्ली के लाड साहब एलजी, उनके घर की मरम्मत में, मात्र मरम्मत में, नया घर बनाने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मात्र मरम्मत में 15 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, उनका उड़न खटोला खरीदने में 191 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, उनका उड़न खटोला खरीदने में, उनका हवाई जहाज खरीदने में 65 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। देश के शहंशाह आलम भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं मैं तो एक फकीर हूं सिर्फ झोला लेके कहीं भी चल देता हूं, वो फकीर, उनका घर बन रहा है 500 करोड़ रुपए में। और शहंशाह आलम अगले घर में जहां जाएंगे, शहंशाह आलम जिन 500 करोड़ रुपए के घर में जाएंगे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उसके पहले उन्होंने कहा कि हमारे घर को थोड़ा ठीक ठाक करो, तो उस घर को ठीक ठाक करने, मात्र ठीक ठाक करने में 90 करोड़ रुपए खर्च हुए। 20,000 करोड़ रुपए का जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है वो लगभग लगभग 23,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बन गया है। उस प्रोजेक्ट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का घर 500 करोड़ रुपए में बन रहा है और उस घर में जाएंगे उससे पहले मौजूदा घर में 90 करोड़ रुपए खाली उसके रिनोवेशन में खर्च किया जाता है। भारत के हमारे फकीर प्रधानमंत्री, गरीब प्रधानमंत्री 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, 1,25,000 रुपए की पेन इस्तेमाल करते हैं। भारत के फकीर प्रधानमंत्री 1,60,000 रुपए का चश्मा इस्तेमाल करते हैं और ये भारत के प्रधानमंत्री
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इनके काफिले में जो कार चलती है वो कार है 12 करोड़ रुपए की, 12 करोड़ रुपए की कार, 12 करोड़ रुपए की कार उनके काफिले में चलती है, एक नहीं कई कारें 12-12 करोड़ की। और मैं सुन रहा था आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, ऐसा लग रहा था कि तुरंत रो देंगे, उनके आंसू निकलने वाले हैं, ऐसे व्याकुल थे बेचारे, कोरोना की महामारी का जिक्र कर रहे थे, भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब कोरोना की महामारी से इस देश में लोग मर रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री बंगाल के चुनाव में वोट मांग रहे थे, कोरोना फैला रहे थे, लोगों की जान जा रही थी, लाशें बिछी हुई थी शमशानों में, और भारत के प्रधानमंत्री चुनाव के प्रचार में व्यस्त थे, भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये 12-12 करोड़ की कार खरीदने का फैसला उस वक्त हुआ जब कोरोना की महामारी में लोग मर रहे थे, उनकी जान जा रही थी, शमशान में लाशें बिछी हुई थी, भूल गए भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये फकीर जो कहते हैं मैं चाय वाला हूं, बहुत गरीब घर से पैदा हुआ हूं, 8,400 करोड़ रुपए का जहाज अपने लिए कोरोना की महामारी में खरीदते हैं। कोरोना की महामारी के दौरान जब लोगों की जान जा रही थी, लाशें शमशान पर बिछी हुई थी, उस वक्त 8,400 करोड़ रुपए का जहाज खरीदने का बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पास होता है। आप कोरोना की बात कर रहे हो, ड्रामे की बात कर रहे हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री एक दिन में कितने रंग बदलते हैं, ये तो करंट नहीं है, करंट फोटो देख लीजिएगा, एक दिन में कितने रंग बदलते हैं, कितने कपड़े पहनते हैं, कैसे शहंशाह आलम की तरह रहते हैं, इसको अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मुद्दा क्या है सर, असल में हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि सत्यपाल मलिक जी ने जो मुद्दा उठाया उस पर चर्चा करो, पुलवामा के घटने में लापरवाही क्यों की गई इसकी चर्चा करो, हमारे जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार कौन है इसकी चर्चा करो, 5 एयरक्राफ्ट अगर मांगा जा रहा था उन जवानों को पहुंचाने के लिए तो 5 एयरक्राफ्ट क्यों नहीं मिला, जब भारत के प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ का जहाज अपने लिए खरीद सकते हैं तो हमारे वीर जवानों के लिए 5 एयरक्राफ्ट उनकी जिंदगी बचाने के लिए क्यों नहीं दिया गया, सवाल ये उठ रहा है। सवाल उठ रहा है कि अडानी के साथ जो आपने महाघोटाला किया, मॉरिशस में एक पते पे 6 कंपनी खोलकर 42,000 करोड़ रुपए काला धन अडानी की कंपनियों में लगाया गया, इस पे जेपीसी बनाओ, सवाल ये उठ रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 6-6, 8-8 कोल ब्लॉक नियमों के विपरीत जाकर अडानी को क्यों दे दिया गया, भारत सरकार के कानून के खिलाफ अडानी को कोयला की खदान क्यों दे दी गई, सवाल यह उठ रहा है कि एयरपोर्ट कैसे दे दिया गया, सीपोर्ट कैसे दे दिया गया, तमाम सारी संपत्तियां एक ही व्यक्ति के नाम नीलाम कैसे की जा रही हैं, उसको सौगात में कैसे सौंपी जा रही हैं, उस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं, उस पर कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं, मुख्यमंत्री के घर को चर्चा का विषय बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री के घर को विषय बनाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और आज मैं भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा को सुन रहा था, अगर तुम में जरा भी नैतिक साहस है तो पूरे देश से अपने प्रधानमंत्री जी को बोलिए कि जी हाँ, 2700 करोड़ रुपए की लागत से नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जनता के पैसों को बर्बाद किया गया है, जो टैक्स के पैसे हैं उनको यहाँ पर बर्बाद किया गया है, क्योंकि नए संसद भवन में इतना पैसा लगाना सही नहीं था, इसी वजह से मोदी सरकार जो है वो इस वक्त जो है घिरती हुई नजर आ रही है इन सभी मसलों पर। अब क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान जिस तरीके से यहाँ पर किया गया है,
मोदी सरकार द्वारा, क्या इसका अंजाम 2024 में मोदी सरकार को भुगतना पड़ेगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? उनके वोट बैंक में सेंधमारी लगेगी? आप इन सभी मसलों पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 90।